हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ओ इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। एक अंतरा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान ही बनेगा। लेकिन आदमी ने इतने का करो, वो हिंदू बन गओ, मुसलमान बन गओ, सिख बन गओ, ईसाई बन गओ, यहां तक कि ढोर भी बन गओ। ढोर कैसे काम करे, वो ढोर तो भाई, लेकिन इंसान नहीं बनो। कॉल करे के मोए बनने की चाह जो हो जाए। एक एक बहुत अच्छा प्रश्न है जिसने ये गीत लिखा है। क्या राम का मंदिर वहां लाशों पे बनेगा? हम आप जब बैठते हैं अपने घरों में तो घर को साफ करते हैं, लीपते हैं, पोतते हैं, शुद्ध करते हैं, तो भैया उनको भी तो घर ही है, वो तो पैदा भाव राम। तो एक बात सोचो ना आप, क्या राम का मंदिर वहां लाशों पे बनेगा? वो अगर बना भी दोगे, सोचो तो भला राम वहां कैसे रहेगा? अरे दिमाग चलाओ और समझो, किसको कि आपस में लड़ाता है जो छुप छुप के हम ही को, हिम्मत है अगर थोड़ी सी तो सामने आए। क्योंकि ये देश है भारत, इसका नाम है भारत, और ये देश राजा भरत के नाम पे भारत हुआ था। और भरत कौन थे? जो शेर के मुंह में हाथ डाल के खेला करते थे। शेरों की तरह उम्र गरजते हुए बीते, शेरों की तरह उम्र गरजते हुए बीते, ऐसा करो ये बरस तो हंसते हुए बीते, बीते हुए दिन अपने सिसकते हुए बीते, ऐसा करो ये बरस तो हंसते। सकते हुए बीते, ऐसा करो ये बरस तो हंसते हुए बीते। कि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत से रथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम माँ के दरवाजे पे। एक बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी ने लिखी है चौपाई, कि देवी पूज पद, देवी पूज पद, देवी पूज पद, अरे देवी पूज पद कमल तुम्हारे, ओ सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोल सच्चे दरबार की आज।